अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सभी? तो 8 बज गए हैं, सुबह के 12 बज गए हैं, सुबह के नहीं दोपहर के 12 हो चुके हैं, बज चुके हैं। और मैं अभी अभी मतलब ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। मैं हूँ रोशन और आप लोग देख रहे हो रोशन नारी ब्लॉग्स। तो आज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, सुबह से बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। नाश्ता सभी लोगों ने कर लिया है, मतलब खाना भी मैंने बना दिया है। और आज का सिंपल सा खाना मैंने बनाया है, दाल चावल सब्जी भिंडी की। तो दोपहर में खाना और देखती हूँ मैं शाम को क्या बनाती हूँ, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और उससे पहले मैं कुछ आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं गई थी शॉपिंग करने, तो मैं शेयर नहीं कर पाई थी। तो हम लोग क्या है कि बकरा ईद में शॉपिंग बहुत कम करते हैं। हम लोग का ईद में जो शॉपिंग करते हैं हम लोग, तो ज़बरदस्त शॉपिंग ईदी में ही करते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से ईद में हम लोग शॉपिंग नहीं कर पाए थे, बस थोड़ा मोड़ा वही जो लेना था वो ले लिए थे। लेकिन अभी भी तो कोरोना का कहर बहुत ज़्यादा जोरों शोर में चल रहा है, तो हम लोग अभी भी मतलब शॉपिंग नहीं किए हैं। तो बस छोटी मुन्नी के लिए मैं लाई हूँ, तो वही मैं दिखलाऊँगी आप लोग को, क्योंकि बकरा ईद है तो बकरा ईद में तो पहनेगी तो अच्छा लगेगा, तो इसलिए। और तो चलिए मैं दिखा देती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। थोड़ा कैमरे को इधर कर लेती हूँ और इस तरह से। तो यहाँ पे दिखला रही हूँ मैं अपनी छोटी सी शॉपिंग जो मैंने की है पास के मार्केट से ही। तो यहाँ पे मैं दिखला रही हूँ स्टॉल। तो ये स्टॉल है, बहुत चौड़ी है, तो हम लोग का नकाब लगाते हैं तो स्टॉल की ज़रूरत पड़ती है, तो वही मैंने लिया है। मतलब कहीं जाती हूँ आती हूँ तो इसको लगा कर जाना अच्छा लगता है मुझे, तो वही मैं ली हूँ। और स्टॉल तो जब बाहर जाना है तो डेली मतलब यूज में तो कपड़े होते ही हैं, लेकिन स्टॉल तो बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल चाहिए ही, क्योंकि कवर करना है तो बिल्कुल। तो इसीलिए मैं लाई हूँ स्टॉल। तो इसमें छोटे छोटे से नग लगे हैं बिल्कुल, और बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा है। और इस कपड़े में बिल्कुल शाइनिंग है, देख सकते हो, बिल्कुल चमक रहा है अच्छे से, और अच्छा भी लग रहा है ये। तो और कुछ मैं ये लाई हूँ छोटी मुन्नी के लिए, ये है स्कर्ट और टॉप। तो बहुत क्यूट लग रहा था ये स्कर्ट टॉप, और आप देख सकते हो कलर कितना खूबसूरत है, वाइट रेड। तो बच्ची है तो बच्चों के थोड़ा रेड वगैरह, रेड येलो नीला ब्लू ये सब मैच करता है, अच्छा लगता है, तो वही मैं ले ली हूँ। तो ये रेड है और देखिए इस तरह से इलास्टिक लगा हुआ है, बिल्कुल कॉटन कपड़ा है, तो कॉटन था इसलिए मैंने ले लिया है। और तो ऊपर इस तरह से आस्तीन दिया है, इलास्टिक लगा है, और ये बड़ा सा स्टोन दिया है, जो इसके वजह से थोड़ा इस ड्रेस की स्कर्ट टॉप की खूबसूरती बढ़ गई है। और इस तरह से नीचे भी इलास्टिक लगा है, और ये बिल्कुल कॉटन है। तो बस, और ये है उस पर का स्कर्ट, तो ये वाइट और रेड में है, ग्रीन वाइट रेड। तो बस ये मैंने लिया था एक, और बच्चे के लिए।
और एक और मैंने लिया है, ये टी शर्ट लिया है, बिल्कुल हाफ है, आस्तीन इसमें नहीं है, हाफ आस्तीन की है, तो बाजू इसमें नहीं है। तो देखिए ये अच्छा लग रहा था तो ये मैंने एक ले लिया है। ये भी दोनों ड्रेस इसके एक ही कलर के हो गए हैं, वाइट रेड ये भी हो गया है, वाइट रेड वो भी हो गया है, तो सेम कलर हो गए हैं। थोड़ी सी अंतर है, ज़्यादा अंतर तो नहीं है। और इस पे का ये है पैंट दिया है इस पे का ये। और तो बच्चे गर्मियों में या ठंडियों में हो या गर्मी में हो तो पहनते हैं, तो इसलिए मैंने ले लिया है। और एक ये टी शर्ट मैंने लिया है, ये टी शर्ट मैंने ले लिया है। तो देखिए इस तरह से है, बिल्कुल ब्लू है, ब्लू तो बहुत खूबसूरत मुझे लग रहा था, तो मैंने ये भी ले लिया है बच्चों के लिए, तो बच्चे पहनेंगे इसको। और बस छोटी सी मेरी शॉपिंग थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। और ये मैंने एक टॉवल लिया है उसी के लिए, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था हमको टॉवल ये। तो एक टॉवल है, देखिए इस तरह से बिल्कुल वाइट मेरी बहुत इसके अंदर खूबसूरती है, बिल्कुल कॉटन है। तो बस ये मैंने ले लिया है और ये बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया इसको। तो देखिए आप देख सकते हो कितना खूबसूरत दिख रहा है ये, कितना दूर से देखने में कितना सुंदर लग रहा है, तो नज़दीक से कितना अच्छा लगेगा। तो बस ये मैंने एक ले लिया था। और बहुत कुछ चीज़ें अभी ली हूँ लेकिन वो मतलब हम लोग यूज कर दिए, नहीं मैं दिखला पाई हूँ। और बस और ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लिया था, और मतलब मैंने ले लिया था चूड़ियाँ। और देखिए ये रेड और ब्लू चूड़ियाँ है जो इस मतलब कपड़े में लगाकर मैच में लाई हूँ, तो इसलिए मैं लाई हूँ मैच की पहनने के लिए। तो देखिए बस आज का वीडियो आप लोगों को बताइए कैसा लगा होगा। और तो बस चलती हूँ, थोड़े से मुझे काम करना है, तो उसके बाद मैं चली जाती हूँ यहाँ कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि कपड़े प्रेस करके मैं रख देती हूँ तो पहनने में बहुत आसानी होती है, झट से निकालो और पहन लो, नहीं तो इस तरह से कपड़े प्रेस करने पड़ते हैं बराबर। तो देखिए ये मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, और प्रेस करने के बाद ये दोपहर के 3 बजते होंगे, तो यहाँ पे 4 बज गए थे, तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में आज मैं बना रही हूँ भजिया, तो बस सिंपल सा भाजिया बना है चाय के साथ, क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बारिश हुई थी, और बारिश की वजह से मन करता है ना कुछ चटपटा खाने को, कुछ अच्छा खाने को और चाय पीने को। वैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ, बहुत कम पीती हूँ, हम लोग एक बार ही सुबह चाय पीते हैं। यहाँ पे बन रहे हैं भजिए चाय के साथ, तो भजिए अच्छे लगते हैं खाने में, तो वही मैं बना रही हूँ भजिए और चाय के साथ चलेगा ये। मौसम अच्छा था, मतलब बारिश हो रही थी, तो इसलिए तो चलिए ये भजिया बन जाए अब।
तो बस ये भजिया भी रेडी हो गया है और यहाँ पर चाय। तो चलिए चाय और भजिया एंजॉय करने के बाद थोड़े से काम होते हैं ना जो किचन के, वो मैं करूँगी क्योंकि किचन के तरफ तो काम बढ़ जाते हैं। कुछ भी बनाओ या चाय बनाओ या नाश्ता बनाओ या चाय बनाओ या खाना बनाओ, तो किचन के जो काम होते हैं किचन में बर्तन वगैरह ज़्यादा निकल ही जाते हैं, तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। शाम हो गए थे तो स्लिप वगैरह मैं साफ़ कर रही हूँ और बर्तन कुछ थोड़े से थे, ज़्यादा नहीं थे, तो वही मैं क्लीन कर रही हूँ इधर। और मैं और बर्तन क्लीन हो गए थे, ये दूसरे दिन वाला दूसरे दिन मैंने थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था। ये खस्सी आया है कुर्बानी के लिए, तो देखिए ये मिरर में मतलब देख रहे हैं इस तरह से खड़े होकर के। और ये खस्सी तो हम लोग का ख़रीदा गया था मतलब एक महीना पहले ही, लेकिन उधर ही हम लोगों ने छोड़ दिया था इसको। तो ये जुमरात वाले दिन नहीं, बुध वाले दिन आया है ये। और आज मैं रात में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो देखते हैं तो ये वीडियो में सुबह में जुमरात में अपलोड करूंगी। तो देखिए इस तरह ये खेल रहे हैं, घूम रहे हैं और बच्चे इनके पीछे पीछे लग गए हैं बिल्कुल इस तरह से। बच्चे बहुत खुश रहते हैं ना बकरा बकरी से, तो बस बहुत खुश थे। देखिए किस तरह से खींच कर ला रहे हैं इसको। और आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए और आप लोग मेरा लेटेस्ट वीडियो देख सको। तो बस आज का वीडियो मेरी यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।